हो गया। उत्तरलाई के पास ये विमान क्रैश हुआ है। विमान हादसे में पायलट सुरक्षित बताए जा रहे हैं। कवास के आसपास प्लेन क्रैश की पुलिस अधीक्षक और प्रशासन मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। आबादी वाले इलाके में ये प्लेन क्रैश नहीं हुआ है। बाड़मेर मुख्यालय से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर की ये घटना बताई जा रही है। और वायुसेना ने ये पुष्टि की है कि MiG-29 विमान क्रैश हुआ है और अब इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जिसमें ये MiG-29 क्रैश हुआ है और बाड़मेर से तकरीबन 20 किलोमीटर दूरी, यानी कि जो बाड़मेर मुख्यालय है वहां से 20 किलोमीटर की दूरी पर, जहां पर आबादी नहीं है, वहां पर यह विमान क्रैश हुआ है। और यह भी बताया जा रहा है, जैसा कि न्यूज 18 राजस्थान से बाड़मेर एसपी ने बात करते हुए बताया, कि जो दो पायलट थे वो दोनों सुरक्षित हैं। दोनों ही जैसे उन्हें पता चला कि विमान में तकनीकी खराबी है, दोनों ही इजेक्ट कर गए थे अपने कॉकपिट से, यानी पैराशूट के सहारे वो विमान छोड़ चुके थे। आसपास में कहीं उन्होंने लैंडिंग की है, लेकिन ये विमान पूरी तरीके से जलकर राख हो गया। अब इस पूरे मामले की जांच की कार्रवाई शुरू की जाएगी, जांच की प्रक्रिया शुरू की जाएगी कि आखिर क्या तकनीकी खराबी थी, कहां से कहां तक की ये उड़ान पर था, क्या तकनीकी खराबी आई, और पायलट इस पूरे मामले को लेकर क्या कहते हैं, क्योंकि अभी वो भी सामने आने बाकी है, जानकारी उनसे भी जुटाई जाएगी। समय पर दोनों पायलट, बताया जा रहा है कि इसमें दो पायलट थे और दोनों ही पायलट ने यह विमान जो है वो तकनीकी खराबी के चलते छोड़ दिया था, और ये इंडियन एयरफोर्स का MiG-29 विमान था, यानी कि ये भारतीय वायुसेना का MiG-29 विमान था जिसमें यह हादसा पेश आया है। फिलहाल इसकी जांच प्रक्रिया शुरू की जाएगी और दोनों पायलट जो हैं, जिन जैसा कि बाड़मेर एसपी ने न्यूज 18 से बात की, बताया कि दोनों जो पायलट हैं वो इजेक्ट कर गए थे, दोनों ही पायलट फिलहाल सुरक्षित हैं। आग जो है वो कई टीमें वहां पर पहुंच चुकी है, और ये इंडियन एयरफोर्स का ट्वीट है, आप एक्स हैंडल पर उन्होंने लिखा है, ड्यूरिंग ए रूटीन नाइट ट्रेनिंग मिशन इन बाड़मेर सेक्टर NIAF, यानी कि इंडियन एयरफोर्स MiG-29 एनकाउंटर ए क्रिटिकल टेक्निकल स्नैग फोर्सिंग द पायलट टू इजेक्ट। द पायलट इज सेफ एंड नो लॉस लाइफ फॉर प्रॉपर्टी वॉज रिपोर्टेड। ए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हैज बीन ऑर्डर्ड। प्रेमदान बाड़मेर संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेमदान, इंडियन एयरफोर्स का एक्स हैंडल के ऊपर एक ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने इस विमान की शिनाख्त की है, बताया है कि ये इंडियन एयरफोर्स का MiG-29 विमान है, पायलट बिल्कुल सेफ जो है वो इजेक्ट कर गए हैं, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है, केवल विमान जो है वो जल चुका है, और अब इस पूरे मामले को लेकर एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का ऑर्डर किया गया है। क्या अपडेट है प्रेमदान इस पूरे मामले को लेकर, क्या आग बुझा ली गई है? देखिए, जाई जा रही है, फायर ब्रिगेड की मौके पर पहुंच रही है और इसके साथ साथ अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं दोनों ही, क्योंकि बड़ी जानकारी है कि MiG-29 था और नियमित उड़ान के दौरान इसका ये जो हादसा हुआ है और उसके बाद में दोनों ही पायलट सुरक्षित है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के जो आदेश है वो दे दी गए हैं, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि राहत भरी खबर है कि दोनों पायलट है, वो को पायलट और पायलट दोनों ही सुरक्षित है। इसके साथ साथ में सबसे अहम जानकारी कि MiG-29 जो है वो था और आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आगे रास्ता जो है वो बहुत संकरा है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है वो बीच रास्ते में है तो पहुंच नहीं पा रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि खेत में सुनसान जगह पे जो ही हादसा हुआ है इसके लिए कुछ कठिनाई आ रही है, लेकिन पुलिस और प्रशासन के और एयरफोर्स के अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। जी प्रेमदान, क्या ये ऐसी जगह पे गिरा है? हालांकि तस्वीरों से साफ तौर पर नजर आता है कि यहां पर जो है वो आबादी नहीं है, बहुत दूर दूर दराज इलाके में गिरा है, लेकिन क्या यहां दमकल की गाड़ियां पहुंच पाएंगी या पुलिस की या दूसरी रेस्क्यू टीम की गाड़ियां पहुंच पाएंगी, क्योंकि बाड़मेर जो है वो लगभग रेगिस्तान से घिरा हुआ है, तो क्या ये ऐसी जगह पे गिरा है जहां पर पहुंच पाना बहुत मुश्किल है? देखिए, गिरा बहुत ही सुनसान जगह पे है, खेत है जहां पर ये गिरा है, तो ऐसे में कह सकते हैं कि पहुंच पाना, आम गाड़ी का जो 4x4 नहीं है उसका पहुंच पाना मुश्किल है, तो हम लोग भी जो है
क्योंकि पैदल जा रहे हैं, रास्ता वहां पर गाड़ी नहीं पहुंच पा रही, तो ऐसे में पैदल जा रहे हैं तो कह सकते हैं कि जो 4x4 गाड़ी है, बड़ी गाड़ियां हैं, वो जरूर पहुंच पा रही है, लेकिन हमें रास्ते में 2 गाड़ियां मिली है जो फायर ब्रिगेड इंतजार कर रही है, वो आगे चल नहीं पा रही है। तो ऐसे में कह कि रास्ता जो है वो बहुत कठिन है। जी प्रेमदान, जैसा कि इंडियन एयरफोर्स के ट्वीट ने बताया कि एक रूटीन एक्सरसाइज थी, जैसे कि आमतौर पर जो लड़ाकू विमान है वो एक्सरसाइज करते रहते हैं, बाड़मेर और जैसलमेर के लोग लगभग अभ्यस्त हो चुके हैं अपने आसमान के अंदर लड़ाकू विमानों को देखते हुए, तो क्या और वहां पर जो लोकल जो है वो बेस है वहां से कोई जानकारी मिल पाई है, ये विमान कहां से कहां तक की उड़ान पर था, इस बारे में कोई और तफसील सामने आ पाई? देखिए, इसमें सबसे अहम जो जानकारी निकल कर सामने आई कि MiG-29 था और नियमित उड़ान के लिए इसने उत्तरलाई से उड़ान भरी थी। हालांकि ऑफिशियली जो है वो एयरफोर्स का जो PRO है वो जब प्रेस रिलीज करेंगे उसके बाद में चीजें निकल के सामने आएगी, लेकिन MiG-29 और नियमित उड़ान के दौरान, क्योंकि एक्सरसाइज होती रहती है, अधिकार जो पायलट होते हैं, जो ट्रेनी पायलट होते हैं, उनको ट्रेन किया जाता है, तो ऐसे में कह सकते हैं कि ये जो हुआ ये इसी तरीके के एक हादसा सामने आया, जिसमें क्योंकि किस तरीके की तकनीकी खामी थी, लेकिन पायलट और को पायलट दोनों सुरक्षित है। और इसके साथ ही जी सबसे बड़ी बात कि मौके पर है, आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। प्रेमदान, जैसा कि ट्वीट में बताया इंडियन एयरफोर्स ने कि पायलट जो है वो सुरक्षित हैं, उन्होंने सुरक्षित इजेक्ट खुद को कर लिया था, उनकी लैंडिंग के बारे में कुछ पता चला? क्या उनको भी चोटें आई है? क्या वो हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं? कोई इस बारे में कोई जानकारी? देखिए, इसमें सबसे अहम बात यह होती है कि वो इजेक्ट करते हैं, उनकी जो सीट है उसके अंदर बैलून होता है तो वो इजेक्ट करते हैं, इजेक्ट के बाद में जैसे ही वो नीचे गिरते, क्योंकि वो उनके कंट्रोल में नहीं होते हैं किस जगह वो गिरे हैं, कि अब तो गिरे हैं तो स्वाभाविक चीज है कि चोट लगी हुई, क्योंकि अभी अभी यहाँ पर खेत है, फसलें हैं कई जगह, तो अब वो कौन सी जगह। लेकिन बड़ी बात ये, बड़ी जो जानकारी निकल कर की यही आई है कि SP के द्वारा कि दोनों ही पायलट सुरक्षित है और दोनों को ही सुरक्षित एम्बुलेंस के जरिए उत्तरलाई भेज दिया गया है। जी प्रेमदान, जैसा कि आपने भी बताया कि आप भी मौके के लिए रवाना हो रहे हैं, वहां पर पहुंच रहे हैं, पैदल वहां पर जाना पड़ रहा है क्योंकि गाड़ियों का जाना बड़ा मुश्किल है, खेतों के अंदर ये जाकर गिरा है, चूंकि खेत में गिरा है, आसपास में हरी फसल भी जो है वो बहुत ध्यान से अगर देखें तो देखी जा सकती है। किसी तरह का कोई और नुकसान प्रेमदान वहां पर पहुंचा हो, किसी तरह की कोई और हानि? देखिए, अभी तक हानि की कोई सूचना नहीं है क्योंकि खेत है, खुला रास्ता है, खुली जमीन। हालांकि ये सबसे अहम जानकारी मैं आपको बता दूं कि जहां पर ये क्रैशिंग हुई है उसके कुछ ही दूरी के अंदर यहां पर ऑयल बैस है, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि बहुत बड़े नुकसान से पहले ये जो क्रैशिंग हुई है, अन्यथा बड़ा नुकसान हो सकता था, क्योंकि केन ऑयल बैस जो है वो बहुत नजदीक था जिसके पास में ये क्रैशिंग हुई है, तो ऐसे में हम एक राहत भरी कह सकते हैं कि दोनों पायलट जो है वो सुरक्षित है। इस साथ ही साथ जो ऑयल फील्ड है उस ये पहले ये एक खुला जमीन थी, जो खेत था उसके अंदर ये क्रैशिंग हुई है। जी प्रेमदान, वाकई अगर जैसा कि आप बता रहे हैं कि इससे थोड़ी दूर के ऊपर जो है बाड़मेर में ऑयल रिफाइनरी भी है, ऑयल बेस भी है, अगर आसपास या ठीक उसके पास में गिरा होता तो एक बड़ा नुकसान का अंदेशा लगाया जा सकता था, हालांकि फिलहाल उससे एक सीमित दूरी के ऊपर है। चूंकि लोकल रेस्क्यू टीम रवाना हो चुकी है, पुलिस रवाना हो चुकी है, आसपास के ग्रामीण भी जाहिर सी बात है इकट्ठा हुए होंगे, क्या प्रेमदान? मैं उस जहां क्रैशिंग हुई उसके नजदीक पहुंच चुका हूं और वहां पर अभी भी धुआं जारी है, तो ऐसे में कह सकते हैं कि आग पर काबू नहीं पाया है, एम्बुलेंस मौके पर पहुंच चुकी है, पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, एयरफोर्स के अधिकारी जो है वो मौके पर पहुंच चुके हैं, और हालांकि अभी भी आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन पूरी तरीके से आग पर काबू नहीं पाया जा सका। यानी प्रेमदान, वहां पर जो है वो इंडियन एयरफोर्स के अधिकारी भी पहुंच चुके हैं? बिल्कुल, एयरफोर्स के अधिकारी, जैसे क्योंकि सबसे पहली जो सूचना है वो उन्हें ही मिलती है, तो ऐसे में वो मौके के लिए लैटिट्यूड के आधार पर वो मौके के लिए रवाना हो जाते हैं, तो ऐसे में एयरफोर्स के अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं, इसके साथ ही साथ पुलिस और प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, एम्बुलेंस यहाँ पर पहुंच चुकी है, तो धुआं है वो काफी काफी दूरी तक फैला हुआ धुआं है,
और इसके साथ ही साथ यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि ये जो है खेत है यहाँ पर फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच पा रही है। तो ऐसे में कोई आप नजर बनाए रखिएगा, समय समय पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।